यारों आज हमारे भारत में मुसलमानों को इस तरह टारगेट किया जा रहा है जैसे मुसलमान देशद्रोही हो। वहीं अगर आप मुसलमानों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट कितनी लंबी है, और उन्हीं में से एक है मौलाना हसरत मोहानी। हसरत मोहानी एक ऐसे लेखक और शायर थे जिन्होंने अपने कलम के बलबूते पर अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, और यही वो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, जिसे लगाते हुए सुखदेव और भगत सिंह जैसे बहादुर लोग फांसी के फंदे पर झूल गए थे। अब अगर बात करें हसरत मोहानी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो इनका जन्म 1 जनवरी 1875 में यूपी के उन्नाव जिले के एक छोटे से कस्बे मोहान में हुआ था। हसरत मोहानी ने अपने बीए को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1903 में कंप्लीट किया था। वो लेखक थे इसीलिए उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ लिखना उसी दौर में शुरू कर दिया था। 1919 में होने वाले खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने एक अहम रोल निभाया। और आपको बताते चलें कि हसरत मोहानी ही देश के वो पहले इंसान थे जिन्होंने लोगों से स्वदेशी माल यानी अपने ही देश के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की अपील की थी। यही वजह है सुखदेव और भगत सिंह जैसे लोग इनसे इंस्पायर होते थे। बाय द वे देश के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है।